हेलो पोके बडीज, वेलकम बैक टू पोकेवेक हिंदी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और टॉपिक बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल के नाम का एक इंस्टाग्राम पे यानी अकाउंट बना लिया है। तो अगर तुम लोग उसे फॉलो करते हो तो मेरे रिसेंट से फ्यूचर अपलोड्स तुम लोग वहाँ पे जान पाओगे। सो इंस्टाग्राम यूजर्स, तो मेरा जो यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का टॉपिक है ऐश चारिज़ार्ड वर्सेस ऐश इन्फर्नेप, कौन जीतेगा ये पूरा बैटल। तो दोस्तों, इन बैटल्स को हम तीन पॉइंट्स में डिसाइड करने वाले हैं। तो पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है मूव सेट्स और तीसरा है एबिलिटीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ अंत तक देखना और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे रिसेंट से अपलोड्स पोस्ट नोटिफिकेशंस तुम लोग को मिल पाए। तो चलो यार, टाइम वेस्ट ना करते, इंट्रो लगा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स पे आने से पहले मैं इन दोनों पोकेमॉन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तुम लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं चारिज़ार्ड की तरफ। दोस्तों, चारिज़ार्ड ऐश को मिला था एक चारमेंडर के रूप में, वो भी आई थिंक जो रूट 6 या फिर रूट 7 पे मिला था, जो कि एक पत्थर पे बैठा था। बट ये चारमेंडर उस एक वाइल्ड चारमेंडर नहीं था, बल्कि एक पोकेमॉन ट्रेनर का छोड़ा हुआ चारमेंडर था। जी हाँ, जो उन्हें बाद में पता चल जाता है, उस पोकेमॉन ट्रेनर का नाम है डेमन। दोस्तों, तो ऐश ने इस चारमेंडर की हेल्प की थी, तो उसके बाद वो उसके साथ चलने में तैयार हो गया था। तो फिर उसके बाद वो बाद में इवॉल्व होते गया, चारमिलियन और चारिज़ार्ड में इवॉल्व हो गया, बट वो उसकी बात नहीं मानता था। तो फिर ऑरेंज आइलैंड्स के वक्त, यानी ऑरेंज आइलैंड्स के वक्त एक बैटल हुआ ऐश का और एक पोकेमॉन ट्रेनर का, जिसके पास एक पॉलीव्रैथ था। उसके साथ उस पॉलीव्रैथ ने ऐश के चारिज़ार्ड को हरा दिया आइस बीम से। तो ऐश ने उसे मतलब उस आइस बीम से उसे बचा लिया, उसके चारिज़ार्ड को। तब उसके बाद ऐश का चारिज़ार्ड उसकी बात मानने लगा और उसे ओबे करने लगा, और उसके बाद उसने बहुत सारे जिम बैटल्स लड़े। तो ये थी चारिज़ार्ड का इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं बताता हूँ इन्फर्नेप की स्टोरी। दोस्तों, इन्फर्नेप मिला था एब्सोल्युटली शिनो रीजन में। तो बताना चाहता हूँ कि चिमचार जो है वो उसको मिला था, मतलब वाइल्ड पोकेमॉन ने ही मिला था उसको। दोस्तों, जो ऐश के पास जो चिमचार है, यानी जो इन्फर्नेप में बदल चुका है, वो एक्चुअली पॉल का चिमचार था। बट वो पॉल के साथ मतलब उसका बॉन्डिंग नहीं हो पाता था, वो पॉल उसको बहुत वीक समझता था। तो उसने एक दिन पॉल ने उसे धक्के मार के हकेल दिया अपने टीम में से। तो वो ऐश ने देख लिया और ऐश को वो बुरा लगा। तो ऐश ने चिमचार को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो चिमचार ने हाँ बोला, और चिमचार ने बाद में इवॉल्व होने के बाद, यानी मॉनफर्नो, उसके बाद इन्फर्नेप में इवॉल्व हो गया और इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने उसके रियल ट्रेनर यानी उसका पहले ट्रेनर को ही हरा दिया लीग बैटल में। जी हाँ, चिमचार ने उसको डिफीट कर दिया और बता दिया कि वो कितना पावरफुल था। ठीक है गाइस, आज की वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। जी हाँ, तो पहला पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी में देखेंगे कि दोनों पोकेमॉन्स को कितने ट्रेनिंग मिले और कहाँ से ट्रेनिंग मिली है। तो सबसे पहले देखते हैं चारिज़ार्ड के बारे में। दोस्तों, तो चारिज़ार्ड पहले ऐश के साथ था, यानी जब वो चारमेंटर था, चारमिलियन था, फिर चारिज़ार्ड बना, तब तक वो ऐश के साथ था, यानी पूरे इंडिगो लीग में ऐश के साथ था। बट जब जूटो लीग स्टार्ट होती है, मतलब इंडिगो लीग तक ऐश उसे ट्रेन कर रहा था। जी हाँ, बट जब जूटो लीग स्टार्ट होती है, तब ऐश उसे एक जगह पे छोड़ देता है जिसे कहते हैं चेरिसिक फैली, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूथ साइज के चारिज़ार्ड रहते हैं, जो कि वेल ट्रेन रहते हैं। तो उसे ऐश ने वहाँ छोड़ दिया और बोला कि तू यहाँ पे ट्रेनिंग कर और फिर मुझे मिलना। दोस्तों, तो तकरीबन ऐश के चारिज़ार्ड ने तीन जनरेशंस उधर ट्रेनिंग किया। यानी अगर तुम लोग ने ब्लैक एंड वाइट का एपिसोड देखा होगा, तो उसमें ऐश का चारिज़ार्ड फाइनली उसके पास वापस आता है उसके पोकेबॉल के साथ, यानी उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। तो मतलब देखो यार, तीन जनरेशंस, एक पोकेमॉन तीन जनरेशन तक अपने जैसे पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करेगा, तो यार वो कितना पावरफुल होगा। ठीक है, अभी इन्फर्नेप के बारे में देखते हैं। तो इन्फर्नेप जो है वो ऐश के साथ ही रहा है, यानी चारमेंडर से, सॉरी चिमचार, फिर मॉनफर्नो और फिर इन्फर्नेप, यानी मतलब वो शिनो रीजन तक ही रहा है। तो ऐश ने उसे ट्रेनिंग दी है हर वक्त,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है ट्रेनिंग का, वो बेशक चार्जार्ड के पास जाता है क्योंकि चार्जार्ड ने ज़्यादा ट्रेनिंग लिया है इन्फरनेप से, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्फरनेप से। तो दोस्तों पहला पॉइंट जाता है हमारे चार्जार्ड को। तो अब बारी आती है सेकेंड पॉइंट की, जी हाँ, जो है एबिलिटीज़। तो मैंने सेकेंड पॉइंट पे एबिलिटीज़ रखा है और अब देखेंगे दोनों पोकेमॉन्स की एबिलिटीज़ क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं चारिज़ार्ड की। दोस्तों चारिज़ार्ड के पास ऐसी कोई अच्छी सी एबिलिटी नहीं है जिससे कि वो अपने पावर्स को रिप्रेजेंट करे, बट उसके पास एक है जो कि है ड्रैगन रेंज, जिसे हमें बहुत बार हाईलाइट किया गया है बहुत सारे एपिसोड्स में। जैसे मतलब उस एपिसोड ले लो जो पॉलीव्रैथ का एपिसोड था, उसमें उसे ये मिल जाता है, यानी जो ड्रैगन रेंज सीख जाता है, तो उसे उन लोग ने बहुत अच्छे से फीचर किया है। तो मैं इसमें एबिलिटीज़ में ड्रैगन रेंज को रखने वाला हूँ चारिज़ार्ड के। तो अभी देखते हैं हम इन्फरनेप की एबिलिटीज़ क्या है। तो दोस्तों इन्फरनेप की तुम लोग को एबिलिटी तो एक ही होगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, जो कि है ब्लेज। दोस्तों इन्फरनेप का जो ब्लेज एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, बल्कि उसने तो तहलका मचा दिया था इलेक्टिवायर के सामने। दोस्तों इलेक्टिवायर जैसे पोकेमॉन को हराया था उसने, एग्रॉन जैसे पोकेमॉन एंड ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को उसने हराया था, और उसकी ये ब्लेज एबिलिटी उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाती है। भले वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता था, बट उसने बाद में उसे सीखना यानी उसे मास्टर करना सीख लिया और बाद में उसे कंट्रोल करने लगा, और उसके पास वो बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। तो दोस्तों अब तुम लोग ये कह सकते हो कि हमारा जो पॉइंट नंबर टू एबिलिटी है वो बेशक जाता है इन्फरनेप के पास, ठीक है। सो अभी का इन दोनों का टोटल ओवरऑल स्कोर है 1v1 दोस्तों, यानी अभी 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 तक चारिज़ार्ड को एक पॉइंट मिल चुका है और इन्फरनेप को भी एक पॉइंट मिल चुका है। दोस्तों अब अगला पॉइंट के हिसाब से समझ जाएगा कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है और कौन सा पोकेमॉन हार जाएगा। दोस्तों तो चलते पॉइंट नंबर 3 पे, बढ़ते हैं अभी हमारे राउंड 3 की तरफ, और राउंड 3 है मूव सेट्स। दोस्तों इस राउंड में जिस भी पोकेमॉन के पास सबसे ज़्यादा मूव्स होंगे वो बेसिकली इस राउंड को जीत जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चारिज़ार्ड से। चलो सो चारिज़ार्ड के पास है, सबसे पहले देखते हैं फ्लेम थ्रोअर, लियर, रेज, स्कल बैश, एम्बर, फायर स्पिन, सबमिशन, सेस्मिक टॉस, ड्रैगन रेंज, ड्रैगन ब्रेथ, ओवरहीट, स्टील विंग, विंग अटैक, स्लैश और ड्रैगन टेल। दोस्तों ये बहुत सारे मूव्स है और टोटल मिला के 15 मूव्स है एश के चारिज़ार्ड के पास। तो अभी बढ़ते हैं हम इन्फरनेप की तरफ, तो देखते हैं इन्फरनेप के पास कितने मूव्स हैं। सो इन्फरनेप के पास है मैक पंच, फ्लेयर, बिट्स, एम्बर, स्क्रैच, फ्लेम व्हील, डिग, फ्लेम थ्रोअर, फायर स्पिन, मड पंच। गाइस सिर्फ 9 मूव्स है इन्फरनेप के पास, अगर कोई मिस आउट हो गया होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या क्या चीज़ें मिस आउट हुई इन्फरनेप में। तो दोस्तों तो इस राउंड का विजेता है एब्सोल्युटली चारिज़ार्ड, क्योंकि उसके पास है 15 मूव्स। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा राउंड 3 का पॉइंट जाता है चारिज़ार्ड को, और जो बेसिकली ओवरऑल पॉइंट्स है वो है इन्फरनेप के 1 पॉइंट और चारिज़ार्ड के 2 पॉइंट। दोस्तों यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बैटल है आज का चारिज़ार्ड, एश चारिज़ार्ड वर्सेस एश इन्फरनेप, इन दोनों में जीत चुका है चारिज़ार्ड बेसिकली, क्योंकि वो उसके पास 2 पॉइंट्स है और इन्फरनेप के पास 1 पॉइंट है। दोस्तों इसी की तरह आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो कि तुम लोग ये सीरीज़ वाले वीडियोस देखो मेरे, तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को हिट करना। अगर देखो नॉर्मल आए लाइक है मैं 200 लाइक्स का, तो अगर इस वीडियो को 250 लाइक्स तक पहुँच गए तो मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं बनाऊंगा वीडियोस। तो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो और इन दोनों एम्स को कंप्लीट करो। अगर तुम्हें ये सीरीज़ चाहिए आगे तो 250 लाइक्स तक कंप्लीट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि मेरे पोस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो नोटिफिकेशंस तुम लोग को मिलते रहे। और तब तक के लिए तुम लोग से लेता हूँ अलविदा और मिलता है तुम लोग को अगले वीडियो में। बाय।